मूवी देखी, घर पे आए और भूल गए, क्या फायदा ऐसी मूवीज का। आज की वीडियो की लिस्ट की मूवीज का कॉन्सेप्ट आपको सोने नहीं देगा। सुहाइला चाइला इंग्लिश 2023 में आपको लगता है कि इंडियन मूवीज में सिर्फ मास मसाला ही बनता है, तो वो गलत फहमी भी दूर करेगी आज की लिस्ट। अभी का रिव्यू हम करेंगे टॉप 10 ऐसी इंडियन मूवीज जिन्हें थिएटर में ना देखकर हमने बहुत बड़ा क्राइम किया, अब ये ओटीटी पे आ चुकी है। लंदन में रहने वाली मिसेस शेट्टी फुल ऑन फेमिनिस्ट है। इसे मर्दों से सख्त नफरत है, लेकिन उनकी एक छोटी सी चीज चाहिए और वो है एक हेल्दी और बेस्ट स्पर्म, और ये मिलेगा इसको एक स्टैंड अप कॉमेडियन मिस्टर पॉली शेट्टी से। इन दोनों की लाइफ पूरा थॉट प्रोसेस कंप्लीटली अपोजिट। अब क्या मिसेस शेट्टी पॉली शेट्टी को एज अ स्पर्म डोनर अपने लिए सिलेक्ट करेगी, और स्पर्म डोनेशन के लिए क्या क्या पैरामीटर्स पे तोला जाएगा पॉली शेट्टी को। लुक एट यू, यू ऑन द स्टेज लाइक अ प्रो। रोमांस कॉमेडी मिसेस शेट्टी मिस्टर पॉली शेट्टी, 4000 लोगों की एवरेज वोटिंग से 7 की IMDb रेटिंग है, और भाई मूवी का स्टार है नवीन पॉली शेट्टी। सभी की परफॉर्मेंस पाप लेवल की, कॉमेडी कुछ जगहों पे फीकी लगी मुझे। उस वक्त पे इसका एक्सटेंडेड 2 hours 30 minutes बहुत फील होता है, लेकिन हिंदी में अच्छी डबिंग की वजह से नेटफ्लिक्स पर मूवी से आप कनेक्टेड रहते हो। इसके थॉट प्रोसेस इंडियन कल्चर, फेमिनिज्म, कई सारे ये जो इज्म भरे हुए हैं ना अपने सोसाइटी के अंदर, उनको एक्सपोज किया है मूवी ने। कुछ फैमिली ड्रामा बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग, लेकिन आपको सोचने के लिए मजबूर करती है। 7 साल का बच्चा जिसे ग्रैंड पेरेंट्स संभाल रहे हैं, पेरेंट्स उसके काम में बिजी है, पेरेंट्स है जो बच्चे को लेकर यूएसए जाना चाहते हैं, लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स का कहना है कि तुम संभाल नहीं पाओगे, हम संभालेंगे, और बात यहां पे बिगड़ जाती है, इतनी बिगड़ जाती है कि कोर्ट केस हो जाता है और सिचुएशन और भी वर्स्ट होते जाती है। तुमने चैलेंज किया था ना, इसे तुम अमेरिका ले जाओगे। मलार शास्त्री चैलेंज इज एक्सेप्टेड। बॉलीवुड की एक हिडन जेम फैमिली ड्रामा शास्त्री वर्सेस शास्त्री। नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल इस मूवी को 2000 लोगों ने IMDb पर 7 की एवरेज रेटिंग दी है। मूवी ने बहुत अच्छी तरह से जो जनरेशन गैप है हमारा और हमारे पेरेंट्स के बीच का, उसको एक्सपोज किया है, और वो देखने के बाद आपको रियलाइज होगा कि हाँ यार, मैं भी थोड़ा अपने मम्मी पापा के साथ ऐसे ही बिहेवियर रखता हूँ। और ऐसा नहीं है मूवी के अंदर कि ग्रैंड पेरेंट्स की ही साइड सही है, दोनों की साइड रखी है, लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग चीज है ये टॉपिक जब कोर्ट में चला जाता है कि बच्चा किसके पास रहेगा, तब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होना फील होता है। मूवी 2 hours 20 minutes की है, थोड़ी सी लंबी फील होगी, लेकिन फैमिली के साथ देख सकते हो। अगली बॉलीवुड की मूवी जिसमें अक्षय कुमार है, बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप गई, अच्छी होने के बावजूद भाई दिल से बुरा लगता है। ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड 65 माइन वर्कर्स जो कि एक कोयले की खदान में फंस चुके हैं नीचे, उनको जसवंत सिंह गिल के लीडरशिप के अंदर कैसे बाहर निकाला जाता है। एक तरफ से प्लानिंग, एक तरफ से इंजीनियर्स, एक तरफ से पॉलिटिकल फालतूगिरी, ये सब कुछ एकदम ग्राउंडेड लेवल पे कैसा होता है वो सब कुछ दिखाया। अब देखो मूवी के अंदर जो VFX डिपार्टमेंट है वो पुअर है, लेकिन घंटा किसी को फर्क पड़ता है, स्टोरी से आप एकदम इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो। रुस्तम मूवी के डायरेक्टर, 2 hours 15 minutes की मूवी, 7.2 की एवरेज रेटिंग मिली है 16,000 लोगों से IMDb पर। नीचे अगर एक भी जिंदगी सांस ले रही है तो वो हमारे इंतजार में। अरे हम लोग जिंदा हैं। नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल मिशन रानीगंज बॉलीवुड की वन ऑफ दी बेस्ट सर्वाइवल थ्रिलर मेरे हिसाब से। और हाल ही में मैंने एक बहुत ही शॉकिंग और इंटरेस्टिंग न्यूज पढ़ी अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की, पूरी डिटेल आप इस आर्टिकल में पढ़ सकते हो, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगी। अब देखो 2001 में अक्षय और ट्विंकल की शादी हुई, लेकिन इन दोनों की ही शादी होगी, भाई ये बात मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है कि आपका फ्यूचर पार्टनर कैसा होगा, कौन होगा। इस आर्टिकल से मेरी क्यूरियोसिटी बहुत जगी और मैंने सोचा क्यों ना मैं भी एक एस्ट्रोलॉजर से बात करूं, अपने फ्यूचर के बारे में जानूं, तो मैंने डाउनलोड किया एस्ट्रोटॉक ऐप। अब देखो मैं आपको इसका बोरिंग सा रिव्यू नहीं दूंगा, जो मेरे साथ हुआ वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो मैंने एस्ट्रोटॉक ऐप पर बात शुरू की प्रिया जी से, एक एस्ट्रोलॉजर है। एक शॉकिंग चीज हुई, उन्होंने पहले मेरा डेट ऑफ बर्थ और फिर बर्थ टाइम पूछा बस, और इतनी इन्फॉर्मेशन पे ही उन्होंने मुझे पूछ लिया कि आप सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ काम करते हो। भाई मेरे पसीने छूट गए कि अब तक मैंने इनको अपना नाम भी डिस्क्लोज नहीं किया, इनको कैसे पता चला। अब देखो एक एस्ट्रोलॉजर के साथ अपनी डिटेल शेयर करना, उसके लिए थोड़ा सा भरोसा होना चाहिए, और मार्केट में इस वक्त सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी यही लगे मुझे। और फिर मैंने एक एक करके उनसे सवाल करने शुरू किए, मेरे लाइफ का 2024 कैसा जाएगा, कुछ मेरे फाइनेंशियल क्वेश्चन थे, और फिर अपनी फैमिली से कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछे, और उन्होंने मुझे एक एक बातें जो बताई जो मेरे लाइफ से रिलेटेड बहुत ही पर्सनल है वो एकदम एक्यूरेट। तो मैं काफी शॉक था कि इनको ये सब बातें कैसे पता है। अगर आप भी अपने बारे में कुछ जानना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से क्लिक करके एस्ट्रोटॉक ऐप को डाउनलोड करो, और जो पहला चैट होगा आपका किसी एस्ट्रोलॉजर के साथ वो कंप्लीटली फ्री। आपने कई सारी बायोपिक्स और आत्मकथा देखी होगी, लेकिन क्या आपने एक 1990s के इंडिया के बच्चे के नजर से उसकी खुद की आत्मकथा सुनी है। मूवी सभी के लिए बिल्कुल नहीं है, लिमिटेड ऑडियंस है इसकी, लेकिन मुझे कुछ हटके डायरेक्शन देखने मिला तो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सुहाइला चाइला इंग्लिश मदर्स टू मदर्स टी फॉर मदर। कॉमेडी ड्रामा सिर्फ 1 hour 30 minutes की आत्मा पैम्पलेट। अब 1990s में इंडिया के अंदर जिस तरह से इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस हो रहे थे वो ये बच्चा आपको नरेट करते हुए एकदम कॉमिक तरीके से सुनाता है। अगर आप मिलेनियल्स हो, 80s 90s में बॉर्न हो, तो आपको बहुत अच्छी तरह से रिलेट होगा, और कई जगहों पे आपको नॉस्टैल्जिया भी फील होगा। मूवी Zee5 पर अवेलेबल है, फैमिली के साथ देख सकते हो, लेकिन भाई अगर आपको कुछ हटके बायोपिक देखनी है और खास करके मूवी सीरियसली बिल्कुल नहीं लेना है, तो आपके लिए भाई बहुत ही सटायर कॉमेडी है, सोसाइटी की सोच पे तो चमाट खींच खींच के मारे है।
एक कपल की टीनेज की लाइफ चल रही है, फुल ऑन मजे चल रहे हैं, उसी बीच बच्चा पैदा हो गया। बाय द वे दोनों इस बच्चे के लिए रेडी नहीं है, अपना हीरो तो पूरी तरह इररिस्पॉन्सिबल टपोरी और आवारा, लेकिन लड़की से प्यार करता है भाई। तो ऐसी कच्ची उम्र में जहां पर रहने का टाइम नहीं, पढ़ाई पूरी नहीं हुई, अब ये बच्चे संभालेंगे। रोमांस ड्रामा 5,500 लोगों ने 8.2 की एवरेज रेटिंग दी है IMDb पर। उस लड़के ने उनकी बेटी को किडनैप कर लिया। अरे कुछ तो बोलने को बोलो इसे। मैं प्रेग्नेंट हूँ। तमिल इंडस्ट्री की दादा, मूवी की सबसे अच्छी बात है इसका ग्राउंडेड और रियल रहना। कहीं से लॉटरी लग गई या कहीं से पैसे मिल गई, ये सब फिल्मी चीजें इसमें नहीं है। सब कुछ एकदम रॉ और रियल, छोटे से कमरे के अंदर अपनी पढ़ाई साथ में करते हुए कैसे ये बच्चे को पैदा कर रहे हैं। और कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट, बाय द वे ट्रेलर के अंदर है, स्पॉइलर बिल्कुल नहीं है, बाप अकेला पहले दिन से बच्चे को बड़ा करेगा। हर कोई अपने हाथ खड़े कर देता है, कुछ कुछ मूवमेंट्स में वो इलॉजिकल भी लगता है, 2 hours 30 minutes उस वक्त बहुत फील होता है, लेकिन भाई मूवी बहुत ही ग्राउंडेड है। फैमिली के साथ थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है देखने के लिए, Amazon Prime पर एक अच्छी हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। अगली तेलुगु मूवी, भाई इसके विजुअल्स देख के मैं अभी तक शॉक्ड और सरप्राइज्ड हूँ। हर मंगलवार को इस गांव में मर्डर हो रहा है, पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। अब ये गांव वालों का डर मंगलवार को ही मर्डर क्यों हो रहा है, और ये अजीबोगरीब फैंटेसी मैजिकल पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो क्या रहा है। सुबह उठते ही किसकी मौत देखनी होगी, ये सोच के ही कलेजा कांप उठता है। मिस्ट्री थ्रिलर 2 hours 23 minutes की मंगलावरम, भाई मूवी तो एकदम सिनेमैटिक है, एक एक फ्रेम ऐसा लगता है ऑस्कर में भेजो इसको सिनेमेटोग्राफी के लिए, और ये चीज आपको मूवी में बांध के रखती है। और भाई मूवी बहुत ज्यादा एडल्ट है, न्यूडिटी हो, सेक्सुअल सीन हो, या फिर कोई ब्रुटैलिटी हो, सब कुछ एकदम परम। बस दिक्कत है 2 hours 20 minutes तब लंबा फील होता है जब इतनी सीरियस बात के अंदर ये लोग एकदम से कुछ रोमांस या फिर एकदम से कुछ कॉमेडी घुसा देते हैं। मूवी सस्पेंस की एक सिनेमैटिक जर्नी है, डिज़्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल। अगली मलयालम मूवी, भाई कोई जरूरत नहीं है बड़े बजट की, एक अच्छा डायरेक्टर और एक बेस्ट एक्टर काफी है। जलीकट्टू अंगमली जैसी मूवीज के डायरेक्टर लीजू जोसे, जिन्हें मास्टर ऑफ केओस भी कहा जाता है, मामूटी सर के साथ। मामूटी सर भाई ये अकेले है जो फ्यूचर की मूवीज बना रहे, एक बहुत ही इरिटेटिंग आदमी जिसको हर चीजों के अंदर नेगेटिविटी दिखती है। सब मिलके बस के अंदर भगवान के दर्शन के लिए जा रहे, बस चल रही है एक गांव से गुजर रही है, और अचानक जेम्स के अंदर उसी गांव में रहने वाला एक आदमी आ जाता है, और जेम्स का पूरा बिहेवियर वो अपने आप को वो आदमी मान चुका है। वो गांव वाले भी परेशान, ये बस में जितने भी लोग हैं वो सब परेशान। और देखो यार मूवी शांत है, आपको जलीकट्टू या अंगमली डायरीज जैसा सुपर फास्ट कुछ देखने नहीं मिलेगा, लेकिन मूवी के अंदर जो सिचुएशनल कॉमेडी है, रियलिज्म है, वो आपके दिल को छू जाएगी। ऊपर से 1 hour 45 minutes की ये मलयालम मूवी आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी। 7.5 की एवरेज IMDb रेटिंग 4,600 लोगों ने दी है। अगर आपको पंचायत वेब सीरीज पसंद है, लास्ट टाइम मैंने जो बालगम मूवी रेकमेंड की थी वैसी कुछ मूवीज पसंद है, तो ये आपके लिए मस्ट वॉच है। मेरी फट चुकी थी ये मूवी देखने पर, लेकिन मूवी सभी के लिए नहीं है, और ऐसे ही 2023 की बेस्ट फिल्म बाय क्रिटिक्स का फिल्म फेयर अवार्ड नहीं जीता है मूवी ने। इस लिस्ट की सबसे ज्यादा रियल मूवी मुझे ये लगी, इनफैक्ट ऐसा फील हो रहा था कि मैं कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहा हूँ, वो भी रियल फुटेज देख रहा हूँ। गांव से शहर में आया एक परिवार, लेबर का काम करते करते भाई माँ को मार दिया, बच्चा 3 महीने का है, बच्चे को लेके 10 रूप प्लेट बाय मनोज वाजपेयी भाग चुके हैं। अब पुलिस, पूरी प्रशासन और नेता वगैरह सब, हर कोई इनके पीछे लग चुका है, इसको मारो पहले। और मूवी इतनी रियल है, खास करके वो ट्रेन के अंदर चेस सीन, आपको उस बच्चे के लिए और दसरू के लिए इतना फील होता है कि भाई क्या होने वाला है इनके साथ। सर वो जो बंडल लेकर भागा था, कोई चोरी का सामान नहीं, उसकी 3 महीने की बच्ची है। मेरे मुंह से स्पॉइलर निकल जाएगा। अब देखो मूवी किन लोगों के लिए नहीं है, जिनको बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए, वो किक चाहिए, वो थ्रिल चाहिए, हर 2 मिनट में उसको कुछ ट्विस्ट एंड टर्न चाहिए। इन शॉर्ट मासी मसाला तो बिल्कुल भी नहीं है। मूवी थोड़ी सी स्लो फील हो सकती है, 2 hours की है, लेकिन कुछ कुछ सीन्स इतने रियल फील होते हैं ना भाई, अब तक की मनोज वाजपेयी की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस मुझे लगी मूवी में। ऐसे कोई एडल्ट सीन्स तो नहीं, लेकिन डिस्टर्बिंग सीन्स जरूर है। नंबर 2 पे भाई साहब हेरा फेरी के बाद मैं इतना हंसा हूँ इस मूवी को देखकर, मेरा मुंह, मेरा पेट सब दुखने लग गया। मलयालम इंडस्ट्री भाई ये लोग शॉक और सरप्राइज करने में एक नंबर है, क्या क्या टॉपिक चूज करते हैं। मस्ती मजाक में अपने दोस्तों के साथ भूत बुलाने का वो बोर्ड गेम तो हम सबने खेला होगा, लेकिन अगर ये मस्ती करते करते भूत सच में आ गया तो अब सबकी फटेगी, और वो देखने में जो मजा आता है। अराउंड 6,000 लोगों ने एवरेज 7.5 की एवरेज रेटिंग दी है। भाई दोबारा नहीं खेलेंगे, मेरी तो धड़कन रुक गई थी। हॉरर कॉमेडी रोमांचम, पूरी फैमिली के साथ देखो, हंस हंस के पागल हो जाओगे। अब देखो मूवी स्टार्ट करने के पहले आपको लगेगा कि क्या लो बजट और एकदम अनएडिटेड कोई शॉर्ट फिल्म जैसी मूवी है। 2 hours 30 minutes की मूवी है, आपसे पहला 30 minutes देना मूवी को, भाई आप इतना हंसने वाले हो आगे। ऊपर से मूवी एक डिसेंट हिंदी डबिंग के साथ डिज़्नी प्लस हॉटस्टार पर है।
नंबर वन मूवी से पहले मैं बता दूं, शाहरुख खान के बाद रक्षित शेट्टी मेरे लिए रोमांस का किंग है। आज के टाइम पे इंडियन सिनेमा के अंदर रोमांस जिंदा है तो भाई इस बंदे की वजह से। अब मैं जिस मूवी की बात कर रहा हूं उसके दो पार्ट से अगर आपको कंपैरिजन करके बताऊं तो आपने एवेंजर इन्फिनिटी वॉर देखी, वो शायद आपको 9/10 लग सकती है, 10/10 लग सकती है। उसके बबाद आपने एवेंजर एंड गेम देखा, 100/10। ये मूवी भी फर्स्ट पार्ट से 10 गुना अच्छी। सप्तसागरदाची येलो साइड भी इसका रोमांस पार्ट मेरी आत्मा तक, मैं रोता बहुत कम हूं भाई मूवी के अंदर, लेकिन और खास करके रोमांस मूवी तो भाई कनेक्ट ही नहीं होती आजकल, लेकिन इस मूवी का रोमांस जिस तरह से मनु प्रिया के लिए छोटी छोटी चीजें करता है उसकी लाइफ को और इजी बनाने के लिए, क्योंकि वो उससे इतना प्यार करता है। अब इस मूवी के अंदर एक और लड़की है, वो उसकी तरफ भी एकदम ऑनेस्ट है। मुझे लगता था कि अब तक की मेरे लाइफ में सबसे बेस्ट 96 मूवी है रोमांस डिपार्टमेंट के अंदर, लेकिन इस मूवी ने उसको कई गुना ऊपर क्रॉस कर लिया। आपको लग रहा होगा कि मैं बड़ा चढ़ा के बोल रहा हूं, लेकिन नहीं भाई, साइड बी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम रोमांस मूवी एवर मेड। अब ये कहने पे आप चाहिए उतनी गाली दे देना मुझे, लेकिन पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लो, और नहीं आप कमेंट में आके मुझे पप्पी दिए ना फिर बोलना। मूवी के अंदर ब्रुटैलिटी, सेक्सुअल सीन्स, रेप सीन्स और बहुत ज्यादा एडल्ट है, उस हिसाब से देखना। मेरी रिक्वेस्ट है अमेज़न प्राइम से सब्सक्रिप्शन का 5,000 रुपया ज्यादा ले लो मेरे से, लेकिन फर्स्ट पार्ट की तरह सेकंड पार्ट को भी हिंदी में डब करो। और जाने से पहले एस्ट्रो टॉक ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर तीनों पार्ट्स में से हमने कोई भी मूवी मिस कर दी तो कमेंट में जरूर बताना, और यूट्यूब को भी बता देना वीडियो लाइक करके कि आपने क्वालिटी कंटेंट देखना शुरू कर दिया, तो ऐसे वीडियोस आने दो। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।